नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल टोटल DIQ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, आपको दिख रहा होगा। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र, बी एक पुत्र सी और डी का पिता है, ठीक है। ई ए की माता है, सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है, ई बी की पुत्र वधु है, तो ए किस प्रकार संबंधित है बी से। फ्रेंड, इसका आंसर पौत्र है, ये किस प्रकार निकल रहा है ये हम आपको बताएंगे। फ्रेंड, रेलवे में ALP में काफ़ी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है ब्लड रिलेशन का। तो फ्रेंड देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप शुरू करने से पहले देखिए, इनका एक ऑर्डर बनाइए। देखिए, ए बी से मिला क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, ए श्रीमान बी से मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों रख लिए। फिर क्या बोल रहा है, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये बी से ये निकले तो इनको थोड़ा नीचे रखिए ऑर्डर में, ठीक है। सी और डी रख लिए, डी गर्ल है, ठीक है, पुत्री है। ई ए की माता है, ए और बी एक दूसरे मिले, ई ए की माता है, ठीक है, ये सुपर हो गई माता है, तो ठीक है, ए की माता है। सी विवाहित है और उसके एक पुत्र हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर एक है ई बी की पुत्र वधु, यानी कि ये इसकी पुत्र वधु। पुत्र वधु फ्रेंड्स क्या रहता है, जैसे आप लड़का हो, ठीक है, तो आपके जो लड़के की पत्नी आएगी वो आपकी पुत्र वधु रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बोल रहा है कि ए किस प्रकार संबंधित है बी से, यानी कि इनका रिलेशन मालूम करना है। देखिए फ्रेंड, जो ई है ये इसकी पुत्र वधु है, यानी कि ये इसका ससुर है, ठीक है। तो ससुर यानी कि अपनी जो पुत्र वधु का, ये कहने का मतलब ये है, ये इसके बेटे की वो है पत्नी है, ठीक है। बेटे की पत्नी का लड़का कौन लगता है फ्रेंड, पौत्र लगता है, पौत्र। तो फ्रेंड ये इसका यही रिलेशन होगा, जिसको फ्रेंड इंग्लिश में ये ग्रैंडसन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन आप जो ब्लड रिलेशन वाले इस प्रकार से सॉल्व करें। फ्रेंड एक तो इनको पीढ़ी बाय पीढ़ी आप जमाइए, जनरेशन वाइज, जो जनरेशन छोटी हो उसको नीचे, जो जनरेशन बड़ी हो उसके ऊपर। जैसे फ्रेंड हमने ये दोनों मिले थे, इनको दोनों को बराबर ले लिया, ठीक है। फिर बी के ये पुत्र हैं, पुत्र पुत्री हैं, इनको नीचे ले लिया। ई ए की माता है, इसको ऊपर ले लिया। अब ए और बी का रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स, ये इसकी पुत्र वधु है और ये इस ई ए का लड़का है। तो पुत्र वधु का लड़का यानी कि आपकी जो आपका लड़का है उसकी पत्नी का लड़का आपका कौन लगेगा फ्रेंड, पौत्र लगेगा, आपका ग्रैंडसन लगेगा। तो फ्रेंड जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।